नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की दमोह जिले की सीमा से लगे हुए कटाव धाम में एक पुल जो कि कुछ ही माह पूर्व पाटन विधायक नीलेश अवस्थी द्वारा लोकार्पित किया गया था, वह पहली बारिश में ही ढह गया और अब उस पुल के अवशेष नजर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि नवंबर माह में एक भव्य आयोजन के दौरान नीलेश अवस्थी विधायक द्वारा 13वें वित्त आयोग की जो मद से लगभग 14 लाख रुपए की लागत से बनाए हुए पुल का लोकार्पण किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यहां के जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध संत हैं सीता चरण देव जी महाराज, वह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा उपस्थित थी विशाल जन समूह। एक अर्थ का विषय था, सिद्ध क्षेत्र कटाव धाम में एक विकास की यात्रा की शुरुआत हुई थी, पर विकास कितना आगे चल पाएगा यह किसी को अंदाजा नहीं था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया यह पुल और आज भी दर्शन के लिए जो मंदिरों में दर्शन करने के लिए यात्रियों को दर्शनार्थियों को फिर से वही पुराने मार्ग को अपनाना पड़ रहा है। संत जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए वही मार्ग पुनः अपनाना पड़ रहा है और 14 लाख रुपए का यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आइए हम आपको दिखलाते हैं यह विशेष रिपोर्ट जिसमें यह जो पाटन विधायक हैं नीलेश अवस्थी के द्वारा जो पुल का लोकार्पित किया गया था, यह पुल पहले कैसा दिखलाई देता था, उद्घाटन के समय इसकी क्या स्थिति थी और आज इसके जो अवशेष बचे हुए हैं वह कहां हैं, कैसी स्थिति में हैं, हम आपको विशेष रिपोर्ट एलएनबी टीवी के माध्यम से दिखलाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की सीमा से लगे हुए सिद्ध क्षेत्र कटाव धाम में नवनिर्मित पुल कुछ ही माह पश्चात भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब यहां पे अवशेष नजर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि 21/11/2017 को यह पुल पाटन विधायक नीलेश अवस्थी ने लोकार्पित किया था। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष रुक्मणी बाई मंझोली और उपाध्यक्ष शैलेश अवस्थी मंझोली के साथ उपस्थित थे। आशीर्वाद देने के लिए मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 सीता चरण जी महाराज। सीता चरण जी महाराज एक सिद्ध संत हैं और वह लगातार क्षेत्र में धर्म जागरण के कार्य करते रहते हैं, लोगों को आशीष प्रदान करते रहते हैं। इन्हीं संत के दर्शनार्थ और मंदिरों के लिए दर्शन करने के लिए जो मार्ग पूर्व में था वही मार्ग अब लोगों को अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि नवनिर्मित पुल कुछ ही माह पश्चात भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार अब सिर्फ पुल के अवशेष नजर आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13वां वित्त जनपद स्तर के आधार पर इसको पुल का निर्माण कराया गया था और जिसकी लागत 13.38 लाख बतलाई जाती है। वर्ष 2016 और 17 में इसको निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी और 21 नवंबर 2017 को एक भव्य आयोजन के दौरान नीलेश अवस्थी जो कि पाटन विधायक हैं के द्वारा इसको लोकार्पित किया गया था। परंतु कौन जानता था कि कुछ ही माह इस पुल का उपयोग करने के लिए दर्शनार्थियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए सीता चरण जी महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए और भगवत आराधना करने के लिए यहाँ के श्रद्धालुओं को मिल पाएगा। और अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ दिखलाई दे रही है। अवशेष कुछ ही बचे हैं, सारा का सारा पानी में पैसा बह गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कौन है जिम्मेदार, आखिर किस
के लिए इसे दोषी ठहराया जाए, यह जांच और चर्चा का विषय बना हुआ है। परंतु जो लाभ दर्शनार्थियों को, क्षेत्रवासियों को मिलना चाहिए था, वह लगभग 14 लाख रुपए पानी में बह गए। देखिए, भ्रष्टाचार की कहानी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखलाई दे रही है। ताजातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।